बहुत सारी सर्दी हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना कुछ पता चलता है कि आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है। देख सकते हो स्क्रीन पे एक डॉग भी है जो बाहर रहता है, और ऐसे सर्दी में उनका क्या हाल होता होगा, ऐसे जानवरों का क्या हाल होता होगा जिनके सिर के ऊपर कोई छत नहीं होगी, वो कैसे भूख प्यासे बेचारे घूमते होंगे रास्ते पे, और कैसे इस ठंड के अंदर वो जी पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा घना कोहरा के कारण कुछ दिखना ही बंद हो चुका है। लोग 4:30 बजे के समथिंग हेडलाइट जला के चल रहे हैं, अभी 4:30 बज रहे हैं और 4:30 बजे इतना स्मॉक डला हुआ है कि आगे जाके पता ही नहीं चलता कि इतना क्यों है। और ये सर्दी में हर बार होता है, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे स्मॉक डल चुका है। देख सकते हैं जैसे सामने गाड़ी है उसका हेडलाइट जग रहा है, और दूर से वो कुछ भी नहीं पता चलता कि गाड़ी है, बाइक है या साइकिल है, कुछ भी नहीं पता चलता। अगर ऐसे ही गाड़ी के सामने कोई डॉग या कुछ एनिमल आगे आ जाता है तो वो एक्सीडेंट होना पक्का ही है, कोई ना कोई दुर्घटना होना ये पक्का ही है। गाइस तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि ठंड का मौसम है और इतनी घनी ठंड है पंजाब में कि आपको देख नहीं पाओगे। अभी तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो पूरे 4:30 बजे का टाइम हो, और यहाँ का मौसम देख सकते हो और हवाएं ठंडी ठंडी चल रही है जैसे कि आपको पता है। और आओ आगे दिखाते हैं मौसम का नज़ारा। भी सर्दी का मजा लेने के लिए निकल चुके हैं अपनी बाइक के ऊपर। देख सकते हो कितना घना कोहरा है और कितनी मौसम ख़राब है और कितनी ज़्यादा ठंड होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। तो निकल चुके हम कच्चे रास्ते से अपने घूमने के लिए। देख सकते हो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है पास में, कौन सा घर है, कौन सी गाड़ी आ रही है या कौन सा क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं ज़्यादा ही घना। फाइनली गाइस तो हम आ चुके हैं अपने घर पे। देख सकते हो कितने ठंड है और हाथ पूरा गीला हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए देखो चाय आते ही चाय पीने लगे हैं। तो आप भी ऐसे ही चाय पियो क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप करते हो
बहुत ही ज्यादा ठंड है, पूरा आग जला चुके हैं।